फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। ओके, सो लेट्स सी द डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दो सेल है जो सीरीज में लगा, ओके, लाइक दिस। लेट्स से दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, ओके। इसका जो ईएमएफ है वो एप्सिलॉन वन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर वन है, इसका ईएमएफ है वो एप्सिलॉन टू है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू है। मान लो कि करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा ऐसे, ओके, and we are considering this path, okay। So पहले किरचॉफ लॉ लगाते हैं by किरचॉफ लॉ। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाऊंगा मैं, okay। So see the sign convention that I follow is यहाँ पे पहले initial value और यहाँ पे final, initial potential है यहाँ पे, final potential है। So starting point यहाँ पे क्या है? B। तो इनिशियल पॉइंट इज अवर बी और यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे फाइनल पॉइंट विल बी ए। तो यहाँ पे ये होगा ए, ओके। हम यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, सो इट विल बी प्लस एप्साइलॉन, इसके लिए प्लस वन, इसके लिए प्लस टू, ओके। और हमारे पाथ में जो हमने कंसिडर किया है उसी पाथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस के साथ। सो ये रेजिस्टेंस होगा आई आर वन और यहाँ पे आई आर टू, ठीक है। पोटेंशियल दैट इज आई आर, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? आई आर वन और यहाँ पे आई आर टू। तो इस तरह से हमें हमारा इक्वेशन मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे वी बी को सामने ट्रांसफर कर दो और इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। सो देयरफॉर एप्साइलॉन वन प्लस एप्साइलॉन टू माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू इज इक्वल टू वी ए माइनस VB, so VA minus VB is potential difference, so therefore potential difference between point A and B that will be equal to epsilon 1 plus epsilon 2 minus R common ले लो, यहाँ पे होगा R1 plus R2, this is our equation number 1, okay। अभी हमें चाहिए equivalent, तो इसका equivalent यहाँ पे बनाते हैं। मान लो कि दो सेल के बगैर एक ही सेल हमें रखना है, okay। So this is equivalent A B, यहाँ पे same current flow होगा I, यहाँ पे note कर दो I। So this is epsilon equivalent and this is R equivalent, तो इसके लिए Kirchhoff's law apply करो। So by Kirchhoff's law again VB और यहाँ पे final VA, तो यहाँ पे आएगा प्लस एप्सिलॉन इक्विवेलेंट और यहाँ पे आएगा प्लस आई आर इक्विवेलेंट, ओके। तो वी ए माइनस वी बी, तो दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? दैट इज एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो यू कैन कंपेयर बोथ दिस इक्वेशन, कंपेयर इक्वेशन वन with equation 2, दोनों को कंपेयर करो। तो यहाँ पे epsilon equivalent कितना होगा? That will be equal to epsilon 1 plus epsilon 2 और R equivalent कितना होगा? R1 plus R2, clear है। एक और यहाँ पे note लिख लो, मान लो कि दोनों negative terminal को एक साथ लगाया होता, ठीक है, लाइक दिस, तो दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन आर टू है, ओके। मान लो इस तरह से अरेंजमेंट होती, प्लस माइनस और माइनस प्लस, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट होता एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन टू इफ इसका ईएमएफ ज्यादा, ओके, और आर इक्विवेलेंट होता आर वन प्लस आर टू, रेजिस्टेंस सीरीज में एड ऑन होंगे, ओके। So this is the derivation for the series combination of the cell.